ठीक है अब तू? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल से आ रही है, अपने बिस्तर से गिर गई थी, हम सबको डरा दिया, अब कह रही है कि बिल्कुल ठीक हूँ। शर्म में नहीं आती ना? क्या ही, अब तेरी बिल्कुल नहीं चलेगी, पता है? जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। अगर एक कपड़ा भी उठाते हुए देख लिया ना तुझे, तेरी खैर नहीं है देखना। क्यों भाई, ठीक है ना? एब्सोल्युटली, आज से माँ की मनमानी कोई नहीं चलने देगा, इसलिए हम सब देव भैया को शपथ देते हैं। क्या अब ऐसे तो देते शपथ? कोई इस अंग्रेज को समझाओ, शपथ दी नहीं जाती, शपथ ली जाती है। और ऐसे सलामी देते हैं, शपथ ऐसे ली जाती है। नहीं कि तू भी ना एकदम स्टूपिड है। हाँ तो ठीक है ना, सबको समझ तो आ गई ना। हाँ बाबा ठीक है, अब जैसा तू कहे मैं वैसा ही करूंगी। अरे भाभी, भैया, नेहा, तुम ऐसे एकदम सतर्क क्यों खड़े हो? बैठो, मैं ठीक हूँ, अब चिंता छोड़ो मेरी। कैसे चिंता ना करे जीजी, पता है मैं कितना डर गई थी। अरे हाँ भाई, राधा रानी तो इतना डर गई थी कि इसको भी एम्बुलेंस में डालने वाले थे, पर क्या करें, मालूम है ना कि एम्बुलेंस में तो एक ही मरीज जा सकता है। भैया, और किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना, पराई जो हो गई हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते नेहा। तो मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? सॉरी नेहा, वो मेरी गलती है, मुझे लगा तू अपनी सास की आंख के ऑपरेशन में बिजी होगी तो इसलिए। हाँ तेरा वहां रहना भी तो जरूरी था ना बेटा। प्लीज आगे से ऐसा कभी मत करना, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लेती, वो लोग मुझे रोकते थोड़ी ना आने के लिए। ठीक है अब गुस्सा मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, और घर भी आ गई ना, तो यहाँ मेरे पास बैठ, यहाँ जरा भी नहीं बदली मेरी नेहा, गुस्सा हमेशा नाक पर होता है। मैं ठीक हूँ। देव जी मां। बेटा, सोनाक्षी आई थी अस्पताल में। हाँ वो डॉक्टर ने तेरी कुछ रिपोर्ट्स मंगाई थी। वो कह रही थी कि तुम दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। व्हाट भैया, ये कब हुआ? रिलैक्स, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो हम ज्यादा कंपैटिबल नहीं थे, कुछ डिफरेंसेस थे, इसीलिए बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए यही बेहतर समझा। तू ठीक है? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक, बस तू ठीक हो जा। एक बार तू ठीक हो गई ना तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन भैया सोना दी उन्होंने। निकी परेशान मत कर भैया को, उसने सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा ना। अच्छा चलो, अब चलो माँ को आराम करने दो, चलिए मामा जी। और मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया, नॉट फेयर। मैं माँ के साथ थोड़ी देर बैठूंगी। हाँ ठीक। क्या कर रही है? सीवी अपडेट कर रही हूँ, जॉब हंटिंग भी तो शुरू करनी है। इतनी जल्दी क्यों कर रही है? अभी रिलैक्स करना, चोट लगी है, थोड़ा भरने का टाइम तो दे। इस चोट को भरने में बहुत वक्त लगेगा एलिना, मुझे इसे ध्यान हटाना होगा ना, बहुत दर्द होगा, और इसीलिए नई जॉब तो करनी ही पड़ेगी। आर यू श्योर?
और तू बता कैसी है? मुझे क्या होना है? तू बता, तुझे कैसा लग रहा है? हाँ, मैं पहले से बेहतर हूँ। माँ, मैं तेरी सेहत की बात नहीं कर रही। तो फिर? मैं भाई और सोनाक्षी की बात कर रही हूँ। तुझे पता है कि वो दोनों अलग क्यों हुए? हाँ, हम सबको पता है। अभी अभी तो बताया ना उसने। उन दोनों में कुछ खास बन नहीं रही थी, तो वैसे भी अच्छा हुआ। वो लड़की देव के लिए ठीक नहीं थी। वो लड़की या कोई भी लड़की भाई के लिए ठीक नहीं है? अरे, कोई भी लड़की का क्या मतलब? वो ठीक नहीं थी, मैंने कहा। वो रिश्ता ठीक नहीं था, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ बस। माँ, लेकिन आगे क्या? भाई 27 साल के हैं, आने वाले टाइम में उनकी शादी तो होगी ही ना, और उनकी जिंदगी में कोई ना कोई लड़की तो आएगी। हाँ तो होगी ना, देव की शादी तो होगी। मैं खुद चुनूंगी अपने देव के लिए। तो वही तो, जो भी लड़की आएगी वो भाई के साथ ही रहेगी ना इस घर में। तो क्या कहना चाहती है? यही कि भाई जिससे भी शादी करेंगे ना, वो उसको इतनी इम्पोर्टेंस देंगे जितनी आपको देते हैं। भाई, आपको बात समझनी होगी। अगर रणवीर मुझे अपनी माँ जितनी इम्पोर्टेंस नहीं दे तो वो आपको ठीक लगेगा? तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं समझ रही? तो आपको ये बात ठीक लगती है? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? हाँ, मेरी कसम। ये कसम वसम खाना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे मेरा आंसर मिल गया। लेकिन माँ, थोड़ा सा तो सोच कि भाई पे क्या गुजर रही होगी। कैसी बातें कर रही है नेहा तू? देव बिल्कुल ठीक है। मैं जानती हूँ ना अपने देव को। इस 4 दिन के रिश्ते का टूटना मेरे देव को नहीं तोड़ सकेगा। आज जो तुमने माँ की रिपोर्ट्स डॉक्टर को दी, उसके लिए थैंक यू। आपने इसलिए कॉल किया? मुझे तुम्हें कोई फोन करने के लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं। बिना किसी बहाने बात करने का हक अब खो चुके हैं मिस्टर दीक्षित। वी हैव ब्रोकन अप, और मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या एक दूसरे से मिलना चाहिए। मैं अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। बार बार कॉल करके या मिलने की कोशिश करने से मुश्किल होता जाएगा। कहानी शुरू हुई थी 2 अजनबियों के साथ, और ख़त्म भी होगी 2 अजनबियों के साथ। और अजनबी एक दूसरे से बात नहीं करते मिस्टर दीक्षित, और आज हम एक दूसरे की आवाज आखिरी बार सुन रहे हैं। आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ मिस्टर दीक्षित। गुड बाय मिस्टर दीक्षित। गुड बाय सोनाक्षी। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। गुड बाय Dr. Boss. मुझे पता है आज तूने अपनी मां के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। नहीं मामा, मैंने तो वही किया जो कोई भी बेटा करता।
तूने बहुत मुश्किल काम किया देव। बेटों के सीने में भी दिल होते हैं, तो खुश रह पाएगा? हाँ माँ खुश है तो मैं भी खुश रहूंगा। किस्मत के लेखे किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो, जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोनाक्षी बोस, I love you. मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। आप मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरी माँ, मेरी खुशी, मेरे सुख, मेरे दुख, मेरी जिंदगी से भी बढ़कर है। तुम जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। गुड बाय मिस्टर दीक्षित। तुझको जो पाऊं तो उसको कैसे खुद से जुदा करूं, हक ज्यादा है उसका मैं तुझसे कैसे वफा करूं, जो प्यार था खुशी उसी ने दर्द भर दिया, जो रंग था सुहाना उसी ने बेरंग कर दिया, जीना न पाए, जीना न पाए फिर भी है जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे रंग प्यार के ऐसे भी। ओहो भोला, लगता है तेरी आंखों में ही धूल पड़ गई है। अरे वो जाले देख ऊपर उस तरफ, मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, साफ कर ठीक से। माँ हमेशा खुश रहे। देख जब तक तेरे लिए नया न्यूट्रिशनिस्ट नहीं मिल जाता तो ये चार्ट फॉलो करना प्लीज। तू जरा भी चिंता मत कर बेटा, मैंने तुझसे वादा किया है ना, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी। मैं चलता। देव सब कुछ नया नया है, जख्म भी दर्द भी, बहुत तकलीफ हो रही है सोनाक्षी। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही है तू? तू नई नई ठीक हुई है, अभी पूरी तरीके से ठीक हो जा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बेटा तो वो पर्वत है जिसे दुनिया की कोई आंधी कोई तूफान नहीं हिला पाएगा। तूने सब कुछ देखा है, तुझे कोई नहीं झुका पाया, तू ये तूफान भी आसानी से झेल जाएगा, कोई तुझे तोड़ नहीं सकता बेटा। चलता। देव ठीक है भैया? हाँ
जो हुआ होना ही था। ये तो अच्छा हुआ कि बात आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। देव कितनी बड़ी ठोकर खाने से बच गया ना। वो रिश्ता हो जाता ना तो देव कभी नहीं खुश हो पाता। अच्छा हुआ जो कुछ हुआ। भगवान करे अच्छा ही हो। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जी 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 जी, मैंने फोन किया था। हाँ जी जी, हाँ हाँ, आइएगा तो बताइएगा प्लीज। जी क्या हुआ, किसका फोन था? नहीं नहीं, मैंने फोन किया था, वो मुखर्जी साहब है ना, उनका लड़का है, तो मैंने कहा उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ, लेकिन एक साल के बाद तो शादी हो रही है उसकी। विजय, तुम्हें नहीं लगता हमें शोना को थोड़ा वक्त देना चाहिए? इतनी जल्दी? आशा, मैं कल शादी कर रहा हूँ क्या उसकी? अरे भाई, शादी ब्याह का मामला है, तुम ही कहती हो ना, आज बात शुरू करेंगे तो 3 महीने के बाद बात पक्की होगी, तो बस वही कर रहा हूँ। पता नहीं विजय, पर शोना का पहला प्यार था, वो अभी तक संभली भी नहीं है पूरी तरीके से। कोई भी बात करने से पहले हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, है ना? आशा, मैंने सोना से बात नहीं की है, हम जब भी उसे बताएंगे तो दोनों साथ में बताएंगे, बट एज ए बीइंग अ फादर मुझे मेरा काम करना था। कोशिश करने से ये मुश्किल होता जाएगा, और आज हम एक दूसरे की आवाज आखिरी बार सुन रहे हैं। I hope you have a great life, Mr. Dixon. ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं सोनाक्षी की आवाज कैसे सुनूंगा? सर, आपको कुछ चाहिए? दीजिए, मुझे दीजिए, मैं आपके लिए नया फोन ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं, लेकिन इस फोन में कुछ है? सर, इस फोन में जो भी है वो मैं नए फोन में ट्रांसफर करके आपको दे दूंगी। ओके। अकेले अकेले, वैसे दुनिया को तो बोलती है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, और यहाँ पर खुद अरे कर दूँ, तेरी एक पिक्चर क्लिक करके ना तेरे रिज्यूमे में अपलोड कर देती हूँ, बस इतनी स्माइल। वैसे देव से बात हुई? नहीं, मैं चाहती भी नहीं किया है। ओ, फिर तेरा फोन लाउड पर क्यों था? साइलेंट कर देती ना। मालिके, आपके लिए ग्रीन, अशांत मन को काम करने के लिए। व्हाट काम दादा? उसे मूव ऑन करना है, मेडिटेशन नहीं करनी। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रीन टी देने आया था। दे दी, अब जाओ। क्यों? बिकॉज़ यू आर अ मैन दादा। मैन दादा साउंड्स लाइक सुपर हीरो ना। मैन दादा सुपर हीरो नहीं, सारे मर्द ना सुपर जीरो होते हैं। मैंने क्या किया? अब सब मर्द एक जैसे होते हैं, वीक और डरपोक। आप भी मर्द हो ना? पागल लड़की, तुझे भी ग्रीन टी की जरूरत है, ग्रीन टी पी, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। आप यहाँ से जा रहे हो या नहीं? मुझे मेरी बहन से बात करनी है।
जा रहे हो या नहीं? बात कर ले। चलो For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.